हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैरियर एंडेवर कोचिंग के स्टडी मटेरियल का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं, तो विद इन 1 वीक आपको अपने घर पर मटेरियल रिसीव हो जाता है, और उसके साथ आपको मिलती है एक लिस्ट। सो इस लिस्ट में फर्स्ट लॉट में कौन सी बुक्स मिली हैं और सेकंड लॉट्स में कौन सी बुक्स मिलेंगी उनके बारे में बताया गया है। सो फर्स्ट लॉट में हमें रिसीव हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 3। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 वॉल्यूम हैं यहाँ पर। फोर्थ बुकलेट है इनऑर्गेनिक का वॉल्यूम 1, इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 2 एंड इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 2 एंड इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 3। सो इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1 में हमें मिलता है केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 2 में मिलता है ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक, एसिड बेसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 3 में मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक अलग से ही बुकलेट है। देन फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, सो 1 में मिलता है थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डेटा एनालिसिस। फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 3 क्वांटम केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी। देन सेकेंड लॉट अभी नहीं मिलता है आपको, सेकेंड लॉट एग्जाम के 3 मंथ्स पहले मिलेगा। तो सेकेंड लॉट में हमें जो बुक्स मिलेंगी वो होंगी जनरल एप्टीट्यूड की एक बुक आएगी, कुछ प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेगा उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बुक। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का वॉल्यूम 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के बुकलेट्स का भी इसी तरह से रिव्यू करूं, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1। यहाँ पर आपको दिखेगा कोचिंग का नेम, कैरियर एंडेवर, पब्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप बुक को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, वही लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं कॉन्टेंट्स। सो दीज आर दी कॉन्टेंट्स। वॉल्यूम 1 में टोटल 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया गिवन है। सो इसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी फंक्शन, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रिया एंड फेज रूल। सेक्शन बी में हमें मिलता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्दर चैप्टर्स रहेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पार्टीशन फंक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, रेसिडुअल एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जिसमें फर्दर चैप्टर्स होंगे इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रेग्स इक्वेशन, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स। एंड सेक्शन डी में हमें मिलता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट में रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1, थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज गिवन हैं जो यहाँ चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लाइक डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट पेज पर है ऑपरेटर, देन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर पूरी, सो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, देन यहाँ पर बाकी टॉपिक्स दिए हैं लाइक साइक्लिक रूल, स्टेटिक फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बीच बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए, लाइक दिस इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 22 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। और एट द एंड यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये चैप्टर के एंड में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड सो टोटल 11 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, विच इज़ जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, देन एंथैल्पी, और इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स भी दिए हैं।
यहाँ पर काफ़ी कंसाइज वे में ये बुकलेट्स बनाई गई हैं और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, वैसे काफ़ी शॉर्ट में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लाइक नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगेन प्रैक्टिस सेट, इसी तरह से बाकी के भी चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं रेफरेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं बाकी बुकलेट्स का भी ऐसे ही रिव्यू करूँ सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।